सुनील गुप्ता और जर्नलिस्ट सुनेत्रा चौधरी की एक किताब प्रकाशित हुई है, ब्लैक वारंट, जिसमें फांसी पाए गए अपराधियों के अंतिम क्षणों का वर्णन किया गया है। साल 1982 में खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई। सुनील गुप्ता तब वहां मौजूद थे। कौन थे ये रंगा बिल्ला, क्या अपराध था इनका और फांसी देते समय क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। 1982 जनवरी के आखिरी दिनों में तिहाड़ जेल में दो कुख्यात अपराधी रंगा और बिल्ला को फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जब वो सुबह 5 बजे उठे तो दोनों को चाय का प्याला दिया गया और उनसे आखिरी बार पूछा गया कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। दोनों ने इनकार कर दिया। फांसी से 10 मिनट पहले दोनों के हाथ में हथकड़ियां पहनाई गई और दोनों को उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाने को कहा गया जहां फांसी का फंदा लगा हुआ था। ब्लैक वारंट के लेखक सुनील गुप्ता ने रंगा और बिल्ला के आखिरी क्षणों के व्यवहार के बारे में कुछ इस तरह से बताया। जो रंगा था, जॉली किस्म का इंसान होता है, वैसे था, 5'9" 5'10" इसका कद था और वो हमेशा खुश रहता था। उसको ये कोई वो नहीं होती थी कि क्या होगा, फांसी होनी है। एंड ही यूज्ड टू से, उन दिनों में एक बॉलीवुड स्टारर थी, वो कहता उसमें मैंने रंगा खुश करके उसमें एक डायलॉग था, कहते वो मैंने बोला था। जो बिल्ला था वो पेशे से ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था, हमेशा सीरियस रहता था। वो हमेशा रोता रहता था कि रंगा ने मुझे फंसवा दिया, रंगा कहता था मुझे बिल्ला ने फंसवा दिया। तो उनकी हमेशा ये आपस में तकरार होता रहता था। जेल में जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस हुई है तो आप उसको एक ऑर्डिनरी कन्विक्ट जो है आप समझेंगे जब तक कि उसकी मर्सी पिटीशन जो है रिजेक्ट नहीं हो जाती। जिस टाइम पे मैं गया उस टाइम पे, क्योंकि अभी तो इनका जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था, तो मैं देखता था जेल में खेलते रहते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आखिर इन दोनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि सारा देश इनको फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखना चाहता था। ब्लैक वारंट की लेखिका और पत्रकार सुनेत्रा चौधरी कुछ इस तरह से बताती हैं। जैसे हम लोगों की जनरेशन में एज अ रिपोर्टर हमारे लिए सबसे बड़ा क्राइम जैसे निर्भया था, तो उसके पहले जो जनरेशन वाले हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा क्राइम तो वो बिल्ला और रंगा वाला केस है। आजकल के लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि दिल्ली में कोई इतने इनोसेंट होंगे या फिर समय इतना इनोसेंट होगा कि वो अपने मम्मी पापा को बता के जाते हैं कि हम लिफ्ट लेके पहुंच जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो उनका एक शो था और जाते वक्त उन्होंने किसी से लिफ्ट लिया क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है, और लिफ्ट लेते वक्त हुआ ये कि दो गुंडे जो थे जो कि बॉम्बे से आ रहे थे, उनका प्लान ही यही था कि किसी गाड़ी को चोरी करेंगे, कुछ रॉबरी करेंगे, मतलब छोटे स्मॉल टाइम क्रिमिनल टाइप के थे बिल्ला और रंगा, और उन्होंने कैसे इन दोनों को किडनैप किया ये सोच के कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे होंगे, उनको रैंसम मिलेगा। लेकिन कैसे वो उलझता गया और फिर किसी तरीके से वो रेप का मामला हो गया और फिर मर्डर हुआ। दो लोगों की हत्या और लड़की के बलात्कार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मशहूर पत्रकार दिलीप बॉब ने इस केस के बारे में कुछ इस तरह से लिखा। गीता और संजय चोपड़ा के पिता ने बताया कि वो धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर्स से शनिवार शाम 6:15 बजे निकले। गीता जीसस एंड मेरी कॉलेज के कॉमर्स में सेकेंड ईयर की छात्रा थी और उन्हें उस शाम संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में युवाणी के इन द ग्रूव कार्यक्रम में भाग लेना था। 5 फीट 10 इंच लंबा उनका भाई संजय 10वीं कक्षा का छात्र था। बाहर बादल छाए हुए थे और सुबह से रह रहकर बारिश हो रही थी। तय ये हुआ था कि कार्यक्रम के बाद कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से ले लेंगे। जब वो 9 बजे वहां पहुंचे तो वहां बच्चों का कोई पता नहीं था। जब उन्होंने अंदर पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि गीता और संजय चोपड़ा वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। इन बच्चों को ढूंढने के लिए दिल्ली और कई राज्यों की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक आई विटनेस ने पुलिस को कुछ इस तरह से बताया। करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार फिएट मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ कार के नजदीक ले गया। आगे की सीट पर दो लोग बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर एक लड़का और लड़की थे। लाल बत्ती के पास आकर जब कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? लड़के ने शीशे से अपना मुंह सटाकर अपनी टी शर्ट की तरफ इशारा किया जो खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी।
ड्राइवर एक हाथ से ही गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की पर लगातार वार कर रहा था। मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर कार ने रफ्तार पकड़ ली और लाल बत्ती जंप करके आगे निकल गई। लड़के की शक्ल विदेशी जैसी थी और मस्टर्ड रंग की कार का नंबर था HRK 8930। रंगा और बिल्ला इन दोनों को बुद्धा गार्डन की तरफ ले गए। यहाँ एक सुनसान जगह पर कार रोककर पहले इन्होंने संजय चोपड़ा की हत्या की और बाद में गीता के साथ बलात्कार किया। रंगा अपने इकबालिया जुर्म में कुछ यूं कहता है, मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसके दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं थोड़ा आगे चलने लगा। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की की गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाई और झाड़ी में फेंक दी। घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। कॉलेज और स्कूल की लड़कियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। तब उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बात करने के लिए वहां पहुंचे तो छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर वाजपेयी के सर में लगा और उनका कुर्ता खून से भीग गया। मुझे अभी भी याद है कि जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे देश के, मुरारजी देसाई थे प्राइम मिनिस्टर, वो इनके घर गए थे। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी क्राइम के विक्टिम के घर जा रहे हों, वो इनके घर गए थे। वारदात के बाद बिल्ला और रंगा दिल्ली से भागकर पहले मुंबई गए और मुंबई से आगरा। ये उनका दुर्भाग्य था कि आगरा से दिल्ली आते हुए वो कालिका मेल एक्सप्रेस के सैनिकों के डिब्बे में चढ़ गए, जहां सैनिकों ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पैनिक हो गया ये पूरे इंसिडेंट के बाद, वो यहाँ से वो भागने लग गए और फिर एक ट्रेन में कैसे, एक बोगी था जहाँ पे बहुत सारे डिफेंस पर्सनल थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे कैसे घुसा है, उनसे उनका आई कार्ड मांगा। उनको इसलिए शक हुआ क्योंकि रंगा ने बिल्ला से कहा कि वो भरा हुआ आई कार्ड देना तो उससे उनको पता चल गया कि ये बहुत ही मामला खराब है और फिर तभी उन्होंने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उनको हैंड ओवर कर दिया। बिल्ला और रंगा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। यहाँ तक कि उस वक्त के राष्ट्रपति ने भी बिल्ला और रंगा की दया याचिका को रद्द कर दिया। दोनों को फांसी देने के लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जलाद को बुलाया गया। ये दो लोग जो हैं काफी लेजेंडरी हैं, आई थिंक कालू और फकीरा, बिल्कुल ही अनऑफिशियल लेकिन हमेशा एक रिचुअल बन गया है कि उनको एक ओल्ड मंक या किसी भी अल्कोहल का बॉटल देना है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी आदमी किसी की लाइफ, इवन दो वो हैंगमैन है, वो अपने राइट सेंसेस या फिर पूरा कॉन्शियस होके शायद नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को फांसी देने के लिए बिहार की बक्सर जेल से खास किस्म की रस्सी मंगवाई गई। देखिए जो रस्सी है ये बक्सर जेल में बनती है, तो ये हम वहां से देख के आते हैं। उनका एक बनाने का बड़ा यूनिक वो है कि जो उसकी तारें होती हैं जिससे वो रस्सी बनती है, उसको काफी देर तक वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। रस्सी बनाने के बाद उसके ऊपर वैक्स वगैरह लगाते हैं। फांसी से महज एक दिन पहले दिल्ली के 5 पत्रकारों ने रंगा और बिल्ला से मिलने की इच्छा जताई। उनमें से एक थे प्रकाश पात्र। मैंने सोचा था कि बहुत हट्टा कट्टा जो क्रिमिनल ये टाइप का होगा, लेकिन नॉर्मल आदमी जैसे लग रहा था। ज्यादा हेल्दी भी नहीं था वो, और वो कांप रहा था, फीवर कर रहा था। हमेशा कहता रहा कि रब जानता है कि बिल्ला निर्दोष है, बट उसका जो फीवरिंग और उसका फेस जो है वो बिट्रे कर रहा था उसको, उसकी लग रहा था कि वो तो क्रिमिनल है ही है, लेकिन वो डरा हुआ था। हम लोगों की करीब 20-25 मिनट की मुलाकात था वहाँ पे। 31 जनवरी को रंगा और बिल्ला को फांसी देने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। 5 बजे करीब उनको कहा कि नहा लो आपने नहाया, तो रंगा तो नहाया था पर बिल्ला नहाया नहीं। हम इनको कंपेल नहीं कर सकते कि आपने नहाया। उसके बाद क्या होता है कि इनको ब्लैक कपड़े होते हैं वो पहना दिए जाते हैं। मतलब फांसी में जो चीज होती है हर एक चीज ब्लैक से शुरू होती है। कपड़े ब्लैक होते हैं, सिर के ऊपर जो इनको डाला जाता है, थैला डाला जाता है इनके ऊपर, वो ब्लैक होता है। जो वारंट इशू होता है वो ब्लैक वारंट इशू होता है, तो सब चीज ब्लैक होती है। निर्धारित समय पर फांसी का लीवर खींच दिया गया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो बिल्ला मृत पाया गया, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी। इस केस में जब रंगा को डॉक्टर ने देखा तो 2 घंटे बाद भी उसमें अभी सांस चल रही थी, तो अब
क्या होता है कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि इसको हमने लटकाया है तो लटका नहीं, क्योंकि ऐसे इंस्टांस मैंने पहले सुने थे कि किसी को फांसी लगानी थी वो भाग गया, तभी वो हाथ और पैर जो है बांध देते हैं जब उसको ले जा रहे होते हैं। इसके केस में जो है ये मेरे सामने की बात है कि जो जेल स्टाफ था उनको एक ही होती है टेंशन होती है कि इसकी लाइफ जल्दी एक्सटिंक्ट हो, तो उसके लिए गड्ढे में गया, गड्ढे में जाकर उसने टांग को खींचा, बिल्ला की तो एक्सटिंक्ट एकदम हो गई थी, रंगा की जो है उसको टांग खींच के जो है उसका वो किया। ना रंगा और ना बिल्ला के रिश्तेदारों ने उनके शवों को स्वीकार किया, जेल की तरफ से ही उनकी अंतिम क्रिया की गई। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, यू फॉर यू के लिए।